हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विंदा पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है एक्चुअली तीज के जस्ट एक दिन पहले की मैं ये वीडियो है जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग। और अभी हो रहे हैं रात के 12 बजे तक मेरी मेहंदी एकदम जस्ट कंप्लीट होने वाली है। और इस बार मैंने मेहंदी खुद से लगाई है और बहुत बड़ी बात है कि मैं 7-8 साल पहले कभी मेहंदी लगाई थी। पहले बहुत लगाती थी बट एकदम छूट गया था। सो इस बार मैंने मेहंदी खुद से लगाई और इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। और आई थिंक वो वीडियो पहले ही चला जाएगा इस व्लॉग के आने से पहले। सो आज के व्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ रात के 12 बजे से। और अभी ये मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं सोऊंगी और जल्दी से उठने की कोशिश करूंगी। और वो होगा 3 बजे का टाइमिंग ताकि मैं अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लूं, बिकॉज कल मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली है तो मुझे ही सब कुछ करना है। तो मुझे ये है कि पानी पीना नहीं तो मैं झाड़ू पोछा बाद में नहीं लगाऊंगी। तो मैंने सोचा अपना घर का सारा काम मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगी, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2:30-3 बजे उठ जाऊं, सारा काम कंप्लीट कर लूं ताकि मेरे पास चीजें ज्यादा ना रहे करने को। तो जल्दी से मैं इसको फिनिश करती हूं और मैं अब मिलूंगी आपको सुबह। गुड मॉर्निंग। सो अभी हो गए हैं सुबह के 10 और मैं पूजा वूजा करके एकदम रेडी हो गई हूँ। सो आज मैंने पहनी है ये साड़ी जो कि एक इंस्टा स्टोर से थी। सो मैंने सोचा कुछ हल्का पहनते, पहले मैंने सोचा कि 2 कलेब्रेशन के लिए चीज़ें भी रखी हुई थी तो पहले मैंने सोचा उसको निपटा दूँ, एक साड़ी थी एक सूट था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ यार इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं इतने अच्छे से कोलेबरेट कर पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया कि कुछ सिंपल सी साड़ी पहन, तो ये साड़ी बहुत ही सिंपल बहुत ही हल्की है। सो ये पहन लो ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ मतलब कुछ हैवी सा पहना है, लग ही नहीं रहा कि हाँ कुछ ऐसा है। तो ये पहन के मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगती है। और यहाँ पर मैंने बढ़िया सा अपना चूड़ा पहन लिया जो कि ये भी इंस्टाग्राम स्टोर से था। और यहाँ पर मैंने अपनी जूलरीज पहन ली है और ये रही मेरी मेहंदी जो कि लग चुकी है और ठीक ठाक रच गई है। मैं थोड़ा सा ना टाइम से पहले मैंने इसको जो है छुड़ा दिया था, सो इस हाथ में तो काफ़ी डार्क लग गई है बट दूसरे वाले हाथ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, हल्का हो गया है। बट इट्स ओके, इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और बस यही अपडेट है। और सुबह सुबह उठ करके मैंने अपना जो है सरगी ले लिया था और दही चूड़ा खा के स्टार्ट करते वो कर लिया था। बाकी थोड़ा बहुत मूंगफली मखाना चाय वगैरह पी लिया था और उसके बाद दातुन वगैरह जो भी होता है वो सब करके नहाना ये सब सब कर लिया था। सो अब मैं चल रही हूँ शंकर जी की प्रतिमा बनाने के लिए। सो मैंने मतलब अभी तक नहीं किया था। तो लास्ट ईयर भी ना मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे को यहाँ पे खोजने पे नहीं मिला था शंकर पार्वती जी की कोई मतलब प्रतिमा हो जिसको मैं बाद में विसर्जित कर सकूँ, तो मुझे फोटो से ही काम चलाना था। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं खुद से बना लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं मिट्टी का नहीं बनाऊंगी, काफ़ी लोग मिट्टी और बालू का बनाते हैं बट मिट्टी का मुझे नहीं पता कि यहाँ की कौन सी मिट्टी है जहाँ पर कोई पैर वैर नहीं रखा हो। तो मुझे इस टाइम पर सबसे शुद्ध लग रहा है हल्दी का, तो मैं हल्दी का शंकर जी का शिवलिंग बनाऊंगी और पार्वती माता बनाऊंगी, गौरी जी की बनाऊंगी और साथ में जो है गणेश जी को भी रखा जाता है। तो अगर मेरे को सुपारी मिल जाती है तो सुपारी से हो जाएगा काम, नहीं तो फिर उनका भी थोड़ा सा मतलब इसमें ये होता है कि आपको मान के बना लेना है और उसकी पूजा करनी, फिर बाद में उसको आपको समुद्र में या नदी में कहीं प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में तो मैं वहां पे जाके प्रोवाइड कराऊंगी कल सुबह। तो शिवलिंग बनाने के लिए मैंने एक साफ पैकेट हल्दी का खोला और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। और अगर आपको लाइक अगर क्रैक नहीं चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हो, उससे क्रैक नहीं पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गौरी माता को बना दिया था। तो वैसे भी गौर माता की पूजा हर एक व्रत में की जाती है, चाहे आप हल्दी से बनाओ, गोबर से बनाओ, किसी भी चीज़ से बनाओ। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा जो है हल्दी का आटे जैसा बना रखा है और यहाँ पर मैं फिंगर्स की हेल्प से इसको 2 पार्ट में कर दूंगी, लाइक उसको बांटना नहीं है बट इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दबा करके एक शिवलिंग बनानी है मुझे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा शेप दिया है और आप देख सकते हो मैंने दोनों हाथ के फिंगर को यूज़ किया है इसमें, क्योंकि एक हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पीछे का साइड होता है शिवलिंग का उसको थोड़ा सा कम फैलाना है बट जो आगे का साइड उसको ज़्यादा फैलाना है। क्यों? क्योंकि जो भी हम जल चढ़ाएंगे कुछ भी चढ़ाएंगे तो वो उसके थ्रू निकलेगा। तो अगर आप चाहो तो मिट्टी से बनाओ, चाहो तो आप हल्दी से बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं हल्दी से नहीं बनाना चाहिए बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होना तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप कभी कभी प्रवचन सुना करो, तो उसमें ना हल्दी के शिवलिंग बनाने का बहुत सारा महत्व बताया गया है कि उससे घर में बहुत सारी वृद्धि होती है, बहुत कुछ बताया उन्होंने। ऐसा शिव पुराण का वो बताते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना, मैंने तो इस बार रिसेंटली तीज पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं उनके वीडियोज़ में और उसके थ्रू मतलब मुझे बहुत कुछ पता चला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं फिंगर के पॉइंट कर करके और मैंने एक अच्छा सा शेप दे दिया है। और अंदर की तरफ भी हमको प्रेस करना है, अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये क्या है ना थोड़ा सा उठा उठा सा रहेगा, तो जो भी चीज़ आप चढ़ाओगे तो बाहर निकल जाएगा। और पहले मैंने सोचा था कि मैं गणपति भी बनाऊंगी बट मैंने कभी गणपति नहीं ट्राई किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने थोड़ा बहुत सोचा बनाऊं बट नहीं पल्ले पड़ रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है हल्दी से जितना पॉसिबल उसका कर लेते हैं।
और इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से उठा देना है इसको पॉइंट पॉइंट करके, ताकि एक बढ़िया शेप बन जाए। और शिवलिंग बनाना मुझे लगता है बहुत ही, मतलब मुझे बहुत मज़ा आई ये शिवलिंग बना करके। तो कभी भी अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं ना, तो ये जो है जो मुहूर्त होता है पूजा का ना, उसके पहले बना लेना चाहिए, बाद में नहीं बनाना चाहिए। और इन्हें बेलपत्र पे बनाना चाहिए। बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं, जिसमें एक पे शिव जी रहते हैं, एक पे गौरी माता और एक पे गणेश जी, और इसीलिए जो है तीन पत्ते भी होते हैं। और जब मैं बना रही थी तब मेरे पास बेलपत्र नहीं था, मुझे शाम को बेलपत्र रिसीव हुआ, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई और मैं अलग भी नहीं कर सकती, नहीं तो टूटने का मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक धूप में नहीं रख पाई थी। तो आप जब भी बनाइएगा तो बेलपत्र रख करके ही बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं रोली की हेल्प से तीन नेत्र बना रही हूँ, जैसा कि आपने देखा ही है हर शिवलिंग पर बना रहता है। तो काफ़ी मैंने कोशिश की है कुछ अलग करने की, बहुत अच्छा सा बनाने की कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। बड़ा सुकून सा मिल रहा था जब मैंने बना लिया, और खुद देख के मेरा बड़ा मन अच्छा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही बने रहे, बट क्योंकि इसे प्रवाहित भी करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा करना, पूजा की एक्चुअली तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने रखा है चौकी, और उसके ऊपर मैंने लाल सूती का कपड़ा फैला दिया है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो लाल पीला हरा ये तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने किसी छोटे बच्चे से मंगवाया था केले का पत्ता, बट वो इतना ज़्यादा छोटा ले आया कि कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करूँ। और जो दो बड़े बड़े लाए वो तो कटे पिटे आ गए, तो मैंने कहा कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम केले से सजाएंगे मंडप पहले। अच्छा, काफ़ी लोग के मन में ऐसा आता है कि हमारे घर तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पे पूजा जिस तरीके से होती है वैसे ही कीजिए, बट पूजा पाठ पे अगर आप कुछ सजा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना मन से श्रद्धा से आप पूजा करेंगे उतने ही भगवान खुश होते हैं, और एक अपने आप को भी बहुत खुशी होती है जब आप मंदिर वगैरह बहुत सजा के कुछ भी करते हो कोई काम। तो यहाँ पर मंडप में सजा चुकी थी, और नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ फुलैरा। अब आपको पहले इसका थोड़ा सा महात्म बता देती हूँ। तो मैंने रिसेंटली शिव पुराण का कुछ सुना था, तो वहाँ से मुझे पता चला था कि जब भी आप तीज व्रत रखते हैं तो वहाँ पर आपको फुलैरा ज़रूर से ज़रूर बांधना चाहिए, और जो भी आप शंकर जी की प्रतिमा की पूजा करने वाले हैं उनके ऊपर फुलैरा जरूर से जरूर बनना चाहिए। और वो फुलैरा कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने एक ही टोकरी लिया है, और इसमें मुझे पांच तरीके के माले लटकाने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि इस टोकरी को लटकाने के लिए दो जो है धागे बांध लिए क्रॉस क्रॉस करके, ताकि ये बहुत ज़्यादा घूमे नहीं। अगर आपके पास बांस की टोकरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास थी नहीं, जो थी वो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर रखा था कान्हा जी के लिए, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक की टोकरी यूज़ की है। तो मिड वाले में ना पहले डाल करके इस तरीके से कर लेंगे, ताकि किसी चीज़ में अगर हम लटकाएं तो वो फुलैरा आराम से लटक सके। तो यहाँ पहला जो काम होगा वो यही होगा, और उसके बाद आपको पांच तरीके के फूल की माला बनानी है। और फुलैरा का बहुत बड़ा महत्व इसलिए भी है कि कहा जाता है कि आपको कम से कम पांच लड़ियाँ जरूर रखनी, क्योंकि ये जो है शिव जी की जो पांच बेटियाँ थी ये उनका प्रतीक है। और जिस तरीके से आप जब आप देखते हो शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी की धारा बहती रहती है, तो जब आप तीज का व्रत करते हो ना तो उस टाइम पर वो धारा ना बह करके आपको ये फूलों की माला से उनको जो है ऊपर से पूरे तरीके से ढक देना होता है। जितनी भी पूजा पाठ होगी वो तो मैं मेरे ससुराल के से करती हूँ जैसा भी होता है, बट अगर कोई चीज़ शिव पुराण में लिखी है कि ऐसा होता है और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उससे कुछ बुरा नहीं होता है, क्योंकि पूजा पाठ है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ भी कभी भी आपको उल्टा असर नहीं दिखेगा। तो ये जब मैंने शिव पुराण का सुना ना, और ये और आपको बताऊँ कि अगर ये सब चीज़ें आपको सुननी हो ना तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जरूर सुना कीजिए, उन वो बहुत कुछ बताते हैं। और इस तरीके से मैंने चार फ्लावर लटका दिए हैं, पांच पांच फाले का जो फूल होते हैं उनके गुच्छे बनाने हैं आपको, और अलग अलग, और आप चाहो पांच से ज़्यादा बना सकते हो बट पांच से कम नहीं होना चाहिए। पांच से ज़्यादा करोगे तो वो और अच्छा है, क्योंकि शिव जी की और भी बेटियां हैं, अभी फिलहाल मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा जो पांच बेटियां हैं उनका क्या नाम था, तो उसके लिए मैं कही तो लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर मेरा फुलैरा लटक गया है अच्छे से, और यहाँ पर मैंने सिंहासन लगा दिया है। हे गाइस, तो अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज गए हैं और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। तो अभी मैंने जस्ट अपना ब्लाउज पहन लिया, चूड़ियाँ पहन ली, और बस मैं जा रही हूँ मेकअप करने, तो जल्दी से मेकअप शूट करूँगी थोड़ा सा। और आज का जो पूजा का टाइमिंग है वो है 6:33 से लेकर के 8:51 या 8:55 ऐसा कुछ है टाइमिंग का, तो इसके बीच में हमें पूजा करनी, तो सुबह पास काफ़ी टाइम है क्योंकि मैंने पूजा की सारी प्रिपरेशन कर रखी है, और मेरे को अपने हस्बैंड का भी वेट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो पूजा में साथ में नहीं थे, तो मुझे ये कि इस बार थोड़ा लेट ही कर लूँगी पूजा, तो चलेगा बट साथ में करूँगी। सो देखते हैं अभी कब तक ये आते हैं, क्योंकि हर बार ही जब मैं कहती हूँ जल्दी हो तो उस दिन कभी नहीं आना होता जल्दी। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ तैयार होकर थोड़ी देर में।
यहाँ पर मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था, तो मैं उनको चल रही हूँ स्नान करवाने के लिए। जिस तरीके से आप मंदिर वगैरह में जाते हैं दूध दही से लोग जो है स्नान कराते हैं, सेम उसी तरीके से मैं भी करूँगी, क्योंकि मैंने उनको पार्थिव शरीर उनको शिवलिंग बनाया है, तो मुझे उनको ये चीज़ करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी देवी देवता को अगर आप किसी दूध दही घी इन सब चीज़ों से अगर आप स्नान कराते, तो आप सुनते होंगे कि वो पंचामृत होता है और उसको लोग पी लेते हैं, बट अगर आप शिवलिंग पे कोई चीज़ ऐसी चढ़ा रहे तो उसको कभी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पे कोई राक्षस होता है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसको नहीं पीना चाहिए। तो उसे जो है कहीं किसी जो है गमले में आप डाल दीजिए जो है, या नदी में डाल दीजिए, लेकिन आपको पीना नहीं चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे सारा स्नान वगैरह करवा लिया था, और पाँच ही से स्नान करते हो तो आपको पता है, और यहाँ पे सारे जो भी बेलपत्र और जो भी चीज़ें चढ़ती हैं भगवान जी को मैंने चढ़ा दिया है, फूल माला अर्पण कर दिया है, और यहाँ पर दिया वगैरह भी जल गया है, भस्म चढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा गणेश जी को क्योंकि धूप बहुत पसंद है, तो उनको धूप भी चढ़ा दिया है। तो मुझे जो चीज़ें मिल पाती हैं, जब जैसे कि लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था तो नहीं करा, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक बार किया तो आपको बार बार करना। यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ गौरी माता को, और इस तरीके से पूजा अपनी प्रारंभ करते हैं, और सारे जो भी फल फ्रूट हो सब कुछ चढ़ा दीजिए। और पांच तरीके के इसमें फल चढ़ते हैं। एक्चुअली इस व्लॉग का ना कई बार मुझे भी फ़ायदा मिल जाता है कि लाइक जैसे हम घर से दूर है, तो अगर अपने आप अकेले आप करो तो आपको इतनी चीज़ें नहीं याद होती जब तक आपको शादी के 8-10 साल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर ना तो आप उस घर में रहे हो ना आपको इतना चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने व्लॉग ज़रूर देखती हूँ, तो उससे मुझे कुछ कई चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर मैं देवी जी को सब कुछ चढ़ा रही हूँ जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, और ये मैंने ब्लाउज़ का पीस चढ़ा दिया है, और ये सब चीज़ें खुद रख लेते हैं, और बाकी जो भी पंडित जी के लिए है वो अलग रख दिया है, और उसको छू करके उसको जो है मंदिर में दे देना होता है। तो यहाँ पर मैं गौरी माता को जो है बिंदी भी लगाऊंगी, और ये सब चीज़ें लगा करके सुबह मैं जो है चूड़ियाँ ले लूँगी, और उसको एज अ प्रसाद जो है पहन भी लूँगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं पूजा में, और हर घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। और फिलहाल मेरे यहाँ तो यही होता है, आपके यहाँ भी मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है, क्योंकि सबके यहाँ तीज का सेम ही मुझे लगता है, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं होता है किसी के यहाँ। और ये कहने वाली बात है इधर ऐसा होता उधर वैसा होता, बट मेरे हिसाब से हर जगह सेम है, क्योंकि मैंने सबके जितने भी अभी तक मैंने लोगों के ब्लॉग्स देखे कुछ भी देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सेम ही रहा है, कुछ बहुत खास अंतर नहीं है। खाली ऐसा होता है कि हम लोग से जो नाक से सिंदूर लगाते हैं हमारे यहाँ ये नहीं होता है, ये सब बिहार साइड ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो बस इतना सा अंतर मैंने देखा, बाकी कुछ खास नहीं। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं, एक्चुअली पूजा करने में आज बहुत ज़्यादा लेट इनकी वजह से हुआ, क्योंकि ये एज़ यूजुअल फिर से लेट आना पड़ा। ऐसे रेगुलर में इतना लेट भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन पूजा होती है, जिस दिन सच में नीड होती है ना, उस दिन ज़रूर से ज़रूर लेट हो जाता है। तो चलिए आप भी पूजा देखिए, और अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।